नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सीएचओ के संवेदनीकरण की कार्यशाला। कहा, स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की है बहुत बड़ी भूमिका। अच्छा कार्य करने वाले सीएचओ होंगे पुरस्कृत, खराब कार्य करने वाले सीएचओ को किया जाएगा दंडित। चौदह मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकारिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किया अपील, कहा अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के लिए अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते से कराए निस्तारित। पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीयर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले राजस्व विभाग व राशन वितरण से आए संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। हर महीने पेरेंट्स मीटिंग के साथ अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए दिए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों में निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 557 फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का किया गया वितरण। विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन मिलने पर योगी सरकार के प्रति व्यक्त किया आभार। और उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने एनएक्सी भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ के संवेदनीकरण कार्यशाला में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की बहुत बड़ी भूमिका है। सीएचओ अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और खराब कार्य करने वालों को दंडित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले वीजीएनडी चौपाल आदि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करें। उन्होंने कहा कि सभी सीएचओ जनपद में चिन्हित सैम मैम बच्चों की लिस्ट लेकर उनके परिजनों को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें कुपोषण से मुक्त करने में मदद करें। उन्होंने सही कार्य न करने पर डीसीपीएम बीसीपीएम को नोटिस भी जारी करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के 204 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, उनके डॉक्टर के साथ बैठक की गई है। विभिन्न योजनाओं में उनकी भूमिका है उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा संचारी रोग अभियान में आयुष्मान योजना में टीकाकरण में उनको योगदान देना है, उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई। कार्यशाला में सभी सीएचओ को एचबीएनसी, फाइलेरिया, टीवी सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आयुष्मान भी है ना जी, आयुष्मान में कितना बड़ा अभियान चल रहा है 3 साल से। पेपर पढ़ते हो उसमें तो आयुष्मान का बार-बार आता है कि मैं अपील कर रहे हैं, पूरी खैरात लगी हुई है तो कुछ करते हैं जी। नहीं, गांव में आओ भाई, रोल प्ले करके दिखाओ ना, रोल प्ले करके दिखाओ, मुझे मत देखो उधर देखो। पेपर करते हैं आगे, आयुष्मान योजना के बारे में बोलो, सारा क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?
आप लोग यंग हो नए हो, कम से कम सरकार बुलाया करिए लोगों को, इन लोगों को सारे प्रोग्राम के बारे में बताया करिए। जिला बहुत संदिग्ध है और संदेहास्पद है कि कोई फील्ड में नहीं जा रहा रहता है, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। नन ऑफ यू विल बी रिन्यूइंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और इम्यूनाइजेशन का HMIS पोर्टल में क्या फिगर दिख रहा है उसको देखेंगे। उसमें MIC अपने लेवल पे आशा और ANM का रिमीटिंग लेते हैं, लेकिन आप उसके नीचे जो आपका क्लस्टर है उसमें ANM आशा को डेटा अद्यावधिक करने के लिए हैंड होल्डिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे और उनको मनोबल ऊंचा रख पाएंगे, उनको कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे। तीसरा, अगले एक महीने के भीतर सभी प्रधान, सभी सेक्रेटरी, सभी लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आशा, ANM, आंगनवाड़ी सबके साथ आपका परिचय, समन्वय और आपसी आत्मीय रिश्ता बन जाना चाहिए। रिश्तों से उपलब्धियां मिलती है, एक कम्युनिटी वर्कर को रिश्ता बनाना चाहिए, यह स्कीम की आत्मा वही है। सोचिए आज हमारे जनपद के जो 204 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके डॉक्टर के साथ हमारी बैठक हुई थी। विभिन्न योजनाओं में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में उनका क्षमता वृद्धि कराया गया और साथ ही साथ अगले एक महीने में जो उनको संचारी रोग अभियान में, आयुष्मान योजना में, संस्थागत प्रसव नियमित टीकाकरण में जो उनको योगदान देना है उसके बारे में उनको लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसका अनुश्रवण किया जाएगा। DCPM BCPM की भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और अच्छे परिणामों के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आए हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके संबंध में जिला न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को आयोजित किया जाएगा, उसमें अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करके लाभान्वित हों और अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में किसी प्रकार का मामला हो जो सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सके तो लोक अदालत में आने जरूर प्रयास करें। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला विधिक प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दे दें, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि शहर और ग्रामीण में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य है और जो भी वादकारी अपने बैंक से संबंधित मामले को लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहते हैं वे संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर अपने मामले का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के साथ ही साथ इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा सभी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है
आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय तेज प्रताप तिवारी की जी की अध्यक्षता में आज ये मोटर वाहन बैंकों के सहयोग से प्रचार प्रसार हेतु जहरी झंडी दिखाकर रैली कर रवाना की गई। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जिले के ग्रामीण अंचल या शहर अंचल में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जाना मुख्य उद्देश्य है। ये रैली किन की लगती है? ये रैली जो है गोरखपुर जनपद के जो ग्रामीण है शहरी है सभी क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके। लोगों से मैं अपील करूँगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14 मई को आयोजित किया गया है उसमें अधिकाधिक मामलों को निस्तारित करें, लाभान्वित हों, अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाएं। कहीं भी किसी भी विभाग में उनका कोई भी ऐसा मामला हो जो सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सकता है उसको जरूर प्रयास करें, और अगर इसमें कोई सहयोग चाहिए तो हमारे ऑफिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना प्रार्थना पत्र दे दें, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीयर में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में सीरियो इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा सीयर गांव में चौपाल लगाया गया है, जिसमें अधिकतर मामले राजस्व राशन वितरण से संबंधित आए, जिसको नोट करके IGRS पर अपलोड करके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसको एक हफ्ते के अंदर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गाँव के लोगों को बताया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ गाँव वालों को मिल सके। इस अवसर पर SDM सहजनवा सुरेश कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत सीयर में वर्तमान में तैनात है, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत 53 कार्य हैं। कुल धनराशि 4,15,14,405 रुपये प्राप्त हुई है। वेरिएशन में एक फाइल है। लक्षित कार्य 43 थे, जिसमें जनपद स्तर से स्वीकृत 42 हो चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति 3,68,54,243 रुपये की है। 25 कार्यों का L1 टेंडर जारी हो चुका है। निविदा कार्यों की धनराशि 1,92,42,342 रुपये है। 2 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, दो कार्य सर। टोटल निविदा में सर 42 सर, यस सर हो चुके हैं। तीन पे मटे सर, वो भी हो जाएंगे सर। सर एक हफ्ते स्टार्ट हो जिसके अंतर्गत 7% का ब्याज लगेगा, और दूसरी योजना है इस समय पशुधन बीमा, जिसके अंतर्गत आप किसी भी पशु के लिए जो दूध दे रही हो या गर्भवती हो उसके लिए बीमा करा सकते हैं। जिसके अंतर्गत इनके अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो आपको उतने इतना दाम होगा पशु का, उतना उसका पैसा मिल जाएगा। इसके अंतर्गत गाय या भैंस में जो गर्भवती होती है उसमें बच्चा गिरा देती है, पूरा गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती, उससे बचाव के लिए सहयोग करेंगे। हाथ उठाइएगा एक बार, बहुत बढ़िया। तो जो अभी गलियां नालियां बन रही हैं उसमें छोटे छोटे विवादों में नहीं उठ जाना है, कार्य की गुणवत्ता देखनी है। अभी जैसे पोखरे का सुंदरीकरण हो रहा है, वहां शाम से सुबह वॉकिंग करिए, टहलिएगा, शाम को वहां आप परिवार के साथ घूमने के लिए रहेगा, इतना सुंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, ड्रेजिंग भी हो रही है उसमें? यस सर, ड्रेजिंग भी हो जाएगी। यस सर,
मतलब खरपतवार वो सब हटवा दोगे? यस सर, सब हट जाएगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, एक साल हो गया पैसा देके। सर उसकी स्वीकृति सर दोबारा हुई, पहले 25 कार्यों की हुई थी, बाद में 8 कार्यों की। हर चीज में विलम्ब। हाँ और क्या लिया है सर? 2 पोखरे हैं, स्कूल की बाउंड्री है, 1 बारात घर है, प्राथमिक विद्यालय का घर ले रहे हो? यस सर। ठीक है, और सर प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत है सर? मरम्मत? यस सर। सर असल आज जो है सीएर गांव में डीएम सर द्वारा लगाई गई थी, उस चौपाल में मुख्यतः जो मुद्दे आए हैं वो राजस्व के हैं और राशन के हैं, और इसके साथ साथ जो ये पंचायत के रिलेटेड हैं वो विकास भवन में से रिलेटेड हैं। इनको सबको सूचितबद्ध करके आईजीआरएस के सिस्टम में ला के सबका निस्तारण किया जाएगा, और जो जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं सब लोग पहुँचे थे, उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में चौपाल में डिटेल्ड में बताया है, सरकार की सारी योजनाएँ जो चल रही हैं, और डायरेक्ट लोगों से संवाद किया है, और जहाँ जहाँ समस्या है उसको हल किया गया वहीं पे, लेकिन जो समस्या बची है उसको अगले एक हफ्ते में करा के एक अनुपालन आख्या के रूप में जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सीएचओ के संवेदनीकरण की कार्यशाला, कहा स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की है बहुत बड़ी भूमिका। अच्छा कार्य करने वाले सीएचओ होंगे पुरस्कृत, खराब कार्य करने वाले सीएचओ को किया जाएगा दंडित। चौदह मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किया अपील, कहा अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के लिए अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते से कराए निस्तारित। पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीयर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले राजस्व विभाग व राशन वितरण से आए संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग के साथ अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए दिए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों के 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन, शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों में निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 557 फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का किया गया वितरण। विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन मिलने पर योगी सरकार के प्रति व्यक्त किया आभार। और उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में जानकारी ली और सभी विद्यालयों को निर्देश दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें सभी विद्यालय अपने विद्यालय के कार्यों के बारे में जानकारी दें कि किस तरह से आप लोक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय पर अध्यापकों को विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि हर महीने जाकर विद्यालय का निरीक्षण करेगी, जिससे विद्यालय में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। मुझे बार बार बैठक बुलानी पड़ेगी। आप लोगों को शासन ने नियुक्त किया है, आप लोग चर्चा, ये अगर प्राइवेट स्कूल में होते तो रोज चर्चाएं होती। पिछली बैठक में मैंने जो कुछ निर्देश दिए थे उसका अनुपालन बताइए। एक एक बिंदु बार बताइए, सभी सब्जेक्ट का बन गया, साइंस मैथ और इंग्लिश बन गया। ये सभी स्कूलों को चला गया नहीं? हाँ, एडेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, किसी में एक करके जाओ। लर्निंग आउटकम 10 दिन में शक्ति पहुंच कर अनुसार साप्ताहिक कैलेंडर कमेटी द्वारा तैयार कर लर्निंग आउटकम निर्धारित हो गया है। लर्निंग आउटकम कहाँ लिखा? एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए। आपका तो एनसीईआरटी किताब है ना, अभी उसको अध्ययन कौन करेगा? पहले आप उसका अध्ययन करिए और मैथ्स और साइंस के लर्निंग और इंग्लिश के लर्निंग आउटकम निर्धारित करिए। हाँ, एक सप्ताह के भीतर लर्निंग आउटकम जारी हो जाएंगे लिखित में। ठीक है, लर्निंग आउटकम दोनों एक सप्ताह के भीतर एनसीईआरटी से वेटिंग के उपरांत जारी हो जानी चाहिए। तहसीलवार मजिस्ट्रेट स्तर की एक समिति का गठन किया जाए, इसके विद्यालय का स्तरीय निरीक्षण किया जाएगा। हाँ बताइए। वो इसमें क्या है, अभी तो वैसे भी जा सकते हैं, उपस्थिति देख सकते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। साहिबान और एडीएम साहिबान को जिम्मेदारी लेनी है कि आप दोनों का निरीक्षण कराइए। कभी मूल्यांकन चलेगा, कभी छुट्टी आएगी, कभी भीषण पालन रहे चलेगा, कभी वर्षा ऋतु जाएगी, सब चलेगा। लेकिन पहले व्यवस्था तो हाले संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा कार्यालय कैसे हो सकता है, कलेक्ट्रेट मेरे कार्यालय का भी निरीक्षण होता है। अभी प्रभारी मंत्री मेरे कार्यालय का निरीक्षण करके गए, वो कैसे हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं होगा? ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जिन स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है वहाँ व्यवस्था और बेहतर होती है। प्रत्येक सप्ताह समस्त कराने पर अपने अपने विद्यालय के टीम के साथ बैठक कर समीक्षा की जाए और माह में एक बार अभिभावक के साथ बैठक किया जाए। ये हो रहा है, मतलब सप्ताह में बैठक हो रही है। या प्रिंसिपल लोग कौन है? नहीं है, सभी राज्य विद्यालयों के प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। बैठक होनी चाहिए, कक्षाओं का आवंटन, क्षेत्र कार्य विभाजन, क्षेत्र बंटवारा, ये सब चीजें होनी चाहिए। गवर्नेंस के इश्यूज चर्चा होनी चाहिए। इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और वह बैठकें होते हुए नजर आनी चाहिए। मासिक आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें आती है फोटो? क्या फोटो आती है? परीक्षा कराते हुए नहीं, सारी फोटो ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फोटो डालकर डाल रहा हूँ। ये कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं चल रहा है, ये प्रबंधन का ग्रुप है, तो जो बोला जाता है वही डालना चाहिए। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय कार्यशाला का योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में समापन हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के 20 ब्लॉक के 1294 ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था, जिसको दो दिवस में बांटा गया था, जिसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा इस कार्यशाला में
जमीनी स्तर पर प्रधानों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको एक दिशा दिया जाए और सरकार के निर्देशानुसार अगले 100 दिन में हमको जिस तरह से कार्य करना है व अगले 5 सालों में कार्य करना है उसका प्रेजेंटेशन कार्यशाला है, जिसमें जिले के सभी प्रधान अपने ग्राम पंचायत में करवाए गए कार्यों का प्रेजेंटेशन किए हैं, जिसमें कुल 7 प्रधान हैं। इसके साथ साथ मनरेगा, NRLM व ग्राम प्रधान निधि से किस तरह से कार्य करना है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, मैं ग्राम प्रधान जी को अवगत कराना चाहूंगा, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उन ग्रामों में सभी चक्कर अपने नए चक्कों पर काबिज नहीं है, ऐसे जाने के लिए आपके द्वारा प्रयास होना चाहिए तथा जिला प्रशासन की तरफ से चकबंदी विभाग तथा राजस्व विभाग की एक टीम गठित करके वहां पुनः सीमांकन कराया जा सकता है। 1962 में हम समझते हैं कि तमाम चक्र की चकबंदी हुई थी और दूसरे चक्र की चकबंदी के लिए एक दल एक प्रवासी को उनके संपर्क कर दिया गया। निर्वास का निर्वास में जो है हरण पाठ करने के बाद जो है वहाँ यह कर सकते चकबंदी या सभी कर दी गई जो है बचा हुआ है। यह गलत प्रस्तुत करके मुझे सारा ने जो है आधार पर दीदा में अधिग्रहित होने के कारण चकबंदी प्रक्रिया उस ग्राम में निरस्त की गई है, तो आपको यदि लगता है, मैं आपको नियम बताता हूँ, इसी ग्राम में चकबंदी ग्राम के कुल भूभाग का 40% क्षेत्र चकबंदी योग्य यानी कि कृषि को होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि उस ग्राम में 40% क्षेत्र हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 24 गांव में कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई चल रही है, जुलाई 15 तक हम पूर्ण करेंगे, पहली बात। दूसरे जितने भी गांव हमारे चकबंदी प्रक्रिया में है, कुछ गांव में जो प्रस्ताव नहीं हो रहा उसका धारा 6 करके हमने शासन को भेजा है और कुछ का भेज रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में सभी गाँव में धारा 23-24 तक हम पहुंच जाएंगे और अगले साल इस विभाग का कोरा बिस्तर बांध के इस विभाग को बंद कर देंगे यहाँ पे इस जनपद में। और सर्वे का काम भी जो हमारे यार्डों के अधीन देखा जा रहा है वो भी इस सप्ताह इस वर्ष वित्तीय वर्ष में हम वाइंड अप कर देंगे और खत्म कर लेंगे। बहुत हो गया है, ये हमारी मंशा है कि सारा कब्जा परिवर्तन पूर्ण करके धारा 52 के प्रकाशन पूर्ण करते हुए पारदर्शिता पूर्वक पूरा। अगर नहीं भी होना चाहिए हमारी ऐसी कोई समस्या खड़ी होती है और इसी के सारे हम नेपाल CEO की भूमिका संदिग्ध कर रही है, लक्ष्य लिया गया है उसको ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के सहयोग से आप पूरा कराएंगे, सबको कम्युनिकेट करेंगे, अनावश्यक हस्तक्षेप देने की जरूरत नहीं है। ये कल 9 तारीख और आज 10 तारीख को हमारे जितने भी गोरखपुर के प्रधान हैं 1294 उनको 10-10 ब्लॉक में बांट के और हमने ये 2 दिन का कार्यशाला प्रधान पंचायती राज और ग्राम विकास के द्वारा कराया गया है। इस कार्यशाला में जो जमीनी स्तर पे प्रधान जी लोगों द्वारा कार्य किया जाता है उसको एक दिशा देने और सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नई अगले 100 दिन में जो हमें काम करना है या अगले 5 सालों में जो काम करना है उसका एक ओरिएंटेशन कार्यशाला है। इसमें सभी प्रधान जो है अपना एक संवाद होता है हमारा डायरेक्ट, ज़्यादातर प्रधान जी लोग खुद अपना जो उत्कर्ष कार्य है, हमने 7 ऐसे प्रधान जी लोग अपना उत्कर्ष कार्य आज भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कल भी किया था। इसके साथ साथ मनरेगा में, NRLM में और जो हमारे ये 15वां वित्त है या बाकी वित्त आयोग के जो पैसे ग्राम निधि के उसमें किस तरह से हम लोग को एक फोकस तरीके से गाँव में असेट्स क्रिएशन करना है उस पर ये कार्यशाला की गई है। अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जैसे मनरेगा के एक्सपर्ट्स हैं, इसके साथ साथ अलग अलग विभागों के लोग आके सीधा संवाद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसमें आके प्रधान जी लोगों से डायरेक्ट संवाद किया जा रहा है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में जो मदद है वो हम लोग ये लोग करते हैं हमारे, उसके लिए भी इसमें किया गया है। कल ADG सर भी आए थे, SSP सर भी आए थे, DM सर, कल भी पूरा दिन इनके साथ सीधा संवाद हुआ है, आज भी सर सुबह से हैं, सर चौपाल लगा के अभी सर ने ज्वाइन किया है और विकास भवन द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें जो कराई जाती है।
महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया गया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक मंगेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि यह प्रदेश की योगी सरकार की योजना है कि सभी छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिले और हर छात्र आधुनिक तकनीक से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा फाइनल ईयर के बीकॉम बीएससी के विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन वितरण किया जा रहा है, जिस पर मोबाइल फ़ोन पाकर सभी विद्यार्थी प्रसन्न हैं और सभी विद्यार्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं, जिसमें कुल 557 विद्यार्थी को स्मार्टफोन वितरण हो रहा है। इस अवसर पर महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्मार्टफोन टैबलेट पाए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आधुनिकीकरण से शिक्षा प्रबोध योजना अपनी एक अमित पहचान बना रही है। इसी विभागों के उपस्थित शिक्षकगण से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए Thank you.
अच्छा लगा, हम योगी सरकार से बहुत खुश है कि हमें स्मार्टफोन मिला। कैसा लग रहा था हमको बहुत अच्छा लगा कि हमें स्मार्टफोन मिला, इससे हम पढ़ाई कर सकेंगे आगे की पढ़ाई। कितना लाभ होगा इससे? बहुत लाभ है, अब फोन है तो इसमें नेट डलवा के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही सरकार अच्छे अच्छे काम करे बच्चों के लिए और क्या। आई एम अमरीन बानू। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन आज पूरा हो गया है। इसका हम पढ़ाई में ही अपने इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग जितनी आजकल की बुक्स कॉस्टली हो गई हैं और हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज अ PDF, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल है। बिल्कुल ऑब्वियसली थैंक यू योगी सर कि उन्होंने हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग को ये स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच। सैयद अलीशा। कैसा लग रहा है और किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? जी मुझे अच्छा लग रहा है, स्मार्टफोन एक मिला है, जैसे कि मैं इसका यूज़ इस तरह करूँगी जिस तरह की मतलब कि एक तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है। इसके बाद मुझे कि मैं जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया है तो मैं इसके बाद मैं उस तैयारी में कि मतलब कि इसके बाद जहाँ भी जाऊँगी मतलब कि इसको लेके जाऊंगी और उससे अच्छी सी प्रिपरेशन करूंगी कि उससे नॉलेज अच्छी बढ़े, मतलब कि यूट्यूब से कि कहीं भी सोर्स से अनअकैडमी हो या कोई भी ज्वाइन करके गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो भी सुविधा देती है उससे मतलब कि ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करूंगी। मैं बहुत दिन से तैयारी करना चाहती हूँ, अभी भी तैयारी करती हूँ मतलब कि मतलब बस। हाँ सरकार बहुत कुछ कर रहे हैं मतलब कि मतलब सरकार अच्छा ही कर रहे हैं, मतलब कि ये सब तो देखे तो उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, बच्चों को बेनिफिट भी मिल रहा है कि बच्चे इससे पढ़ेंगे, बच्चे यूट्यूब से पढ़ेंगे, बच्चे अपना चाहें तो कई माध्यम से निकाल के पढ़ सकते हैं, बच्चे कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब आर्टिकल लिख सकते हैं, मेंस में अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं लिखने पे, अपना बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हमारे युवा वर्ग को यह हम स्मार्टफोन वितरित करें सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए जो BCOM थर्ड ईयर और BSc के छात्र हैं, BSc होम साइंस के छात्र हैं, उनके लिए भेजा गया और ये बच्चे इसको आज प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हैं और अपनी तरफ से वो धन्यवाद भी देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने युवा वर्ग के इस ज़रूरत को महसूस किया और उनको यह स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है। आज कल और परसों 3 दिनों में हमारे महाविद्यालय में 557 BSc और BCOM थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं को यह स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग की अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यह बैठक उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना 17 मई को लागू हुई थी जो कि 2022 में 17 मई को समाप्त हो रही है। इस योजना में ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी प्लांट लगेंगे यह कमेटी तय करेगी, जिसका बैठक लिया गया है। इस यूनिट में 80 लाख प्लांट मशीनरी में है, इसलिए कमेटी 20 लाख की अनुमति करेगी जिसकी सहमति बन चुकी है, जो कि देय होगा, जिसको मुख्यालय भेजा जाएगा। इस अवसर पर रक्षा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड के वैभव त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने कहा, मुझे बार बार बैठक बुलानी पड़ेगी, आप लोगों को शासन ने नियुक्त किया है, आप लोग ये अगर प्राइवेट स्कूल में तो रोज चर्चाएं होती, पिछली बैठक में मैंने जो कुछ निर्देश दिए थे उसका अनुपालन बताइए। एक एक बिंदु बार बताइए, सभी सब्जेक्ट का बन गया, साइंस मैथ और इंग्लिश बन गया, ये सभी स्कूलों को चला गया नहीं? हाँ एडेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है नेक्स्ट, नहीं किसी ने ये करके जाओ,
लर्निंग आउटकम 10 दिन में शैक्षिक पहुंच कर अनुसार हफ्ते कैलेंडर कमेटी द्वारा तैयार कर लर्निंग आउटकम निर्धारित हो गया है। लर्निंग आउटकम कहाँ लिखा? एससीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए, आपका तो एनसीईआरटी किताब है ना भी, उसको अध्ययन कौन करेगा? पहले आप उसका अध्ययन करिए और मैथ्स और साइंस के लर्निंग और इंग्लिश के लर्निंग आउटकम निर्धारित करिए। एक सप्ताह के भीतर लर्निंग आउटकम जारी हो जाएंगे लिखित में, ठीक है? लर्निंग आउटकम दोनों एक सप्ताह के भीतर एससीईआरटी से वेटिंग के उपरांत जारी हो जाने चाहिए। तहसीलवार मजिस्ट्रेट स्तर की एक समिति का गठन किया जाए, इसके विद्यालय का स्तरीय निरीक्षण किया जाएगा। हाँ बताइए। नहीं वो इसमें क्या है, अभी तो वैसे भी जा सकते हैं, उपस्थिति देख सकते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। साहिबान और एडीएम साहिबान को जिम्मेदारी लेनी है कि आप दोनों का निरीक्षण करेंगे, कभी मूल्यांकन चलेगा, कभी छुट्टी आएगी, कभी एडमिशन पालन चलेगा, कभी वर्षा ऋतु जाएंगी, सब चलेगा, लेकिन पहले व्यवस्था तो आने, संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा कार्यालय कैसे हो सकता है, कलेक्ट्रेट मेरे कार्यालय का भी निरीक्षण होता है, अभी प्रभारी मंत्री मेरे कार्यालय का निरीक्षण रखी गए, वो कैसे हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण नहीं होगा? ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जिन स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है वहाँ व्यवस्था और बेहतर होती है। प्रत्येक सप्ताह समस्त कराने पर अपने अपने विद्यालय के टीमों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाए और माह में एक बार अभिभावकों के साथ बैठक किया जाए, ये हो रहा है? मतलब सप्ताह में बैठक हो रही है या प्रिंसिपल लोग कौन है? नहीं है, सभी राज्य विद्यालयों के प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। बैठक होनी चाहिए, कक्षाओं का आवंटन, क्षेत्र कार्य विभाजन, क्षेत्र बंटवारा, ये सब चीजें होनी चाहिए, गवर्नेंस के इश्यूज चर्चा होनी चाहिए। इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और वह बैठकें होते हुए नजर आनी चाहिए। मासिक आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें आती है फोटो? क्या फोटो आती है? परीक्षा कराते हुए नहीं, सारी फोटो ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो फोटो डाल रहा हो, ये कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं चल रहा है, ये प्रबंधन का ग्रुप है, तो जो बोला जाता है वही डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सीएचओ के संवेदनीकरण की कार्यशाला, कहा स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की है बहुत बड़ी भूमिका, अच्छा कार्य करने वाले सीएचओ होंगे पुरस्कृत, खराब कार्य करने वाले सीएचओ को किया जाएगा दंडित। चौदह मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, किया अपील, कहा अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के लिए अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते से कराए निस्तारित। पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीयर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले राजस्व विभाग व राशन वितरण से आए, संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग के साथ अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए दिए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन, शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों में निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, 557 फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का किया गया वितरण, विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन मिलने पर योगी सरकार के प्रति व्यक्त किया आभार। और उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।